बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की लाउडस्पीकर के मुद्दे पर प्रतिक्रिया, कहा सोशल मीडिया पर हमारी नजर है। व्यापारी से लूट में 6 आरोपी गिरफ्तार, 10 घंटे के भीतर सुलझाया गया प्रकरण, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। और पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, पार्टी पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर हमारी नजर है। राज्य के पुलिस महासंचालक और मुंबई पुलिस कमिश्नर के बीच एक बैठक होगी। इस बैठक में आने वाले 2 या 3 दिनों में लाउडस्पीकर को लेकर गाइडलाइन तय की जाएगी। इस मामले को संभालने के लिए पुलिस हर जगह तैनात है। धार्मिक तनाव पैदा करने वाली परिस्थिति पर हमारी नजर है। कोई भी आदमी या संस्था अगर किसी भी तरह का तनाव पैदा करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, ऐसी प्रतिक्रिया दिलीप वलसे पाटिल ने इस वक्त दी है। राज्य के पुलिस महासंचालक और मुंबई के कमिश्नर, ये दोनों मिलके बैठकर एक निर्णय लेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे और ये गाइडलाइन अगले 1-2 दिन में इशू होगी और उसी के तहत सबको इसकी अमल बजावनी करना है। सर, किस प्रकार की गाइडलाइन रहेगी जब कह रहे गाइडलाइन किस विषय को लेके? नहीं, अभी ये तो उसका निर्णय वो करेंगे क्योंकि उनको भी सारे स्टेट में सारे पुलिस ऑफिसर जो है इनके साथ बात करनी होगी। उनसे बात करने के बाद ही वो अपनी जो गाइडलाइन तैयार करें। नहीं, पुलिस तो सब जगह ऐसी परिस्थिति हैंडल करने के लिए सब जगह हमारे पुलिस तैनात है और वो बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन या ये तनाव पैदा करने की जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम ध्यान रखे हुए हैं और कोई भी हालत में कोई भी व्यक्ति या संगठन इसके बारे में एक स्वास्थ्य बिगाड़ने की कोशिश करती है तो इसको एकदम स्ट्रिक्टली एक्शन की जाए। इसके बारे में हमारे जो साइबर क्राइम के लोग हैं ये ध्यान रखे हुए हैं, वो जो अप्रोप्रिएट एक्शन करनी है अप्रोप्रिएट एक्शन करेंगे। पांचपौली पुलिया पर शनिवार की दोपहर 3 लुटेरों ने एक सराफा व्यापारी पर चाकू से जानलेवा हमला कर जेवरात सहित वाहन लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। ये खबर सबसे पहले वीकेबी न्यूज ने ही आप तक पहुंचाई थी। हालांकि अब इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी ही चतुराई और बहादुरी के साथ कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटे के भीतर ही इस लूट की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में घटना में लिप्त सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलम सोसाइटी गणेशपेट निवासी जख्मी व्यापारी केतन बटुक भाई कामदार पायल ज्वेलर्स नामक दुकान चलाते हैं। व्यापारियों से थोक में जेवरात बनवाने का काम लेते हैं। शनिवार की दोपहर केतन ने कुछ दुकानदारों से सोने के जेवरात लिए। सबसे आखिरी में 3:30 बजे के दौरान कमाल चौक के समीप स्थित गुरुदेव ज्वेलर्स में पहुंचे, वहां से भी कुछ जेवरात लिए। अपने दुपहिया वाहन क्रमांक MH49BF8802 पर पांचपावली पुलिया से गांधीबाग की ओर जा रहे थे। पुलिया के ऊपर ही 3 आरोपियों ने उन्हें रोका और आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर वाहन सहित जेवरात लूट लिए। गाड़ी की डिक्की में 500 ग्राम सोना और 3 किलो चांदी रखी थी। आरोपियों ने कुछ देर बाद पांचपावली परिसर में केतन का वाहन छोड़ दिया और जेवर लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट की घटना से गांधीबाग पुलिस भी सकते में आ गई। CP अमितेश कुमार ने किसी भी तरह आरोपियों को ढूंढ निकालने के निर्देश दिए। DCP क्राइम चिन्मय पंडित और Zone 3 के गजानन राजमाने के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने काम शुरू किया। परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। इससे साफ हो गया कि आरोपी कमाल चौक से ही केतन का पीछा कर रहे थे। इस प्रकरण को पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में बिट्टू समसेरिया और अन्य 5 का समावेश है। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अधिक जानकारी साझा की। एक रोड पे एक ज्वेलर शॉप पे इस प्रकार की रॉबरी होनी, उसके बाद हमें चैलेंज था कि इसको इमीडिएटली आरोपी निष्पन्न करके अरेस्ट करना और मुद्देमाल रिकवर करना।
मैं ये पूरे घटनाक्रम को परसों जब ये इंसिडेंट हमें सामने आया था तब से मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ। कल जब हमें क्राइम ब्रांच के टीम के द्वारा ये सूचना मिली कि वो कामटी एरिया में देखे गए हैं और वो सेम जिस मोटरसाइकिल जिस टू व्हीलर से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था उसी पे वो तीन लोग घूम रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था कि उनको रंगे हाथ पकड़ा जाए, बिकॉज अगर वो शहर से बाहर जाते तो फिर रिकवरी वगैरह के भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। इसलिए हमारी जो भी यंत्रणा थी पूरी तरीके से काम पे लगाई गई और जो स्टाफ मोबिलाइज हुआ, आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आरोपी तो ये दो बीट मार्शल्स ने पकड़ा, परंतु पूर्ण कामटी में जब ये अरेस्ट होने के बाद जब हम आढ़ावा ले रहे थे तो करीब 400 से 450 पुलिस अधिकारी कर्मचारी कामटी एरिया में सिर्फ इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। ये हमारा एक रिस्पांस टाइम का भी एक प्रत्यक्ष डेमोन्स्ट्रेशन और प्रत्यक्ष हमारी वो एक एक्सपेरिमेंट थी कि हमारे कितनी फास्ट मोबिलाइजेशन होती है और पूरे कामटी शहर में से ये आरोपी को ढूंढ निकालने में हमें सफलता मिली। ये लोगों को मोटिवेट रिवॉर्ड एक बहुत ही टोकन एक वो होता है, एक मोटिवेट करने के लिए लोगों को और एक उनको उनको एक इंकरेजमेंट के लिए ये एक अमाउंट दिया जाता है। अमाउंट बहुत ज़्यादा महत्व का नहीं है, वो एक अच्छे कामगिरी और आगे और भी अधिकारी जोश से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ज़्यादा जोश से काम करेंगे ऐसे हमारी पूरी विश्वास। सर, पिछले कुछ दिनों इस मामले में खोजबीन के दरमियान पुलिस ने 2 लाख रुपए का पुरस्कार जाहिर किया था, जिसके चलते जिन लोगों ने इस कार्रवाई में बड़ी ही बखूबी से कार्य किया उन लोगों में कुल 4 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों से करीब 500 से 600 ग्राम सोना जब्त किया। पाचपावली पुलिस, क्राइम ब्रांच पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और COC समेत शहर के सभी पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई ये कार्रवाई सचमुच सराहनीय रही। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज़। पति की प्रताड़ना से त्रस्त पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ अपने ही पति की हत्या करने का हैरतअंगेज मामला पारडी पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। पहले तो पत्नी ने अपने पति की आत्महत्या का ढोंग रचा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह घटना आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है, वहीं आगे की जाँच जारी है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोहर कोटनाके ने अधिक जानकारी साझा की। चरित्र पर संदेह कर मृतक धर्मेंद्र अपनी पत्नी को आए दिन प्रताड़ित करता था। उस पर किसी और के साथ संबंध होने का आरोप लगाकर मारपीट करता था। रोज रोज की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर धर्मेंद्र को गला घोटकर मार डाला। पति द्वारा आत्महत्या किए जाने का नाटक रचा, लेकिन पुलिस को संदेह हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हो गया और पुलिस ने माँ बेटी 44 वर्षीय गया को हिरासत में ले लिया। धर्मेंद्र ट्रक चालक था, 18 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था, उन्हें 3 बच्चे भी है, सबसे बड़ी बेटी 17 वर्ष की है। धर्मेंद्र ट्रिप के चलते अक्सर घर से बाहर रहता था। उसे पत्नी पर संदेह था कि उसके किसी के साथ अनैतिक संबंध है, इसे लेकर उसके साथ मारपीट करता था। उसे परिवार की हर गतिविधि का पता चल सके इसलिए घर में CCTV कैमरा भी लगा दिया था। इस वजह से दोनों में कई बार विवाद भी हुआ। 11 अप्रैल की शाम भी उसने पत्नी के साथ मारपीट की। तंग आकर पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर धर्मेंद्र को मारने का प्लान बनाया। रात में सोते समय माँ बेटी ने मिलकर ओढ़नी से धर्मेंद्र को गला घोटकर मार डाला। इसके बाद पत्नी ने अपने भाई को फोन किया और धर्मेंद्र द्वारा पंखे से लटक कर आत्महत्या किए जाने की जानकारी दी। पारडी पुलिस भी मौके पर पहुंची। दिनांक 11/4/2022 रोजी नागेश्वर नगर बी मध्ये राहणारे धर्मेंद्र गजबीये वय 42 वर्ष यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याबाबत त्याची पत्नी निशा गजबीये यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन रिपोर्ट दिली। त्यानंतर नाईट ऑफिसर PSI मिश्रा आणि आम्ही स्वतः स्पॉट व्हिजिट केल्यानंतर जे घटनास्थळ आम्ही बघितलं त्यामध्ये खूप संशयास्पद होता घटनास्थळ। ज्या ठिकाणी जे पंख्याला गळफास घेतला त्या पंखा जसाच्या तसा होता, धूळ बसलेली होती आणि ज्या खुर्चीद्वारे तो वर चढला ते खुर्ची पण तिथपर्यंत हाईट जात नव्हती, एकंदरीत सगळ्या संशयास्पद हालचाली होत्या। त्यानंतर पोस्टमार्टममध्ये सुद्धा आम्ही डॉक्टरांना विचारपूस केली, त्याच्यात सुद्धा संशय आढळून आला, त्यामुळे आम्ही त्याची जी पत्नी आहे तिला सखोल विचारपूस केला, तसेच मृतकच्या 2 लहान मुली आहेत यांना विश्वासात घेऊन विचारपूस केला, तसेच या जे ज्या धर्मेंद्र गजबीयेचे जे भाऊ आहेत भंडारा जिल्ह्यामध्ये व त्याचे वडील त्यांना पण विचारपूस केला। तर त्यांनी या ज्या 2 मुली आहेत मृतकच्या या मुलींनी सांगितले की रात्रो आई आणि बाबाचा खूप झगडा झाला होता आणि हे जे मृतक आहेत धर्मेंद्र गजबीये हे याच्या पत्नीचे कुठेतरी अनैतिक संबंध आहेत, यावरून 2 महिन्यापासून तो कामावर जात नव्हता,
आणि घरीच राहत होता आणि यांचे वारंवार भांडणं होत होते, त्यामुळे अधिक संशय बळावला आणि मुलींनी सुद्धा सांगितले की 11 तारखेच्या रात्र झगडा, आई वा बाबाचा झगडा झाला आणि आई आणि आमच्या मोठ्या ताईने त्याचा गळा आवडून, दुपट्ट्याने गळा आवडून ठार मारलेले आहे. तसेच भावाचे बयानसुद्धा, भावांनीसुद्धा सांगितले की आमच्या भावाला त्याच्या पत्नीकडून जीवाला धोका होता. सखोल विचारपूस अंती त्याच्या पत्नीने कबूल केले की आम्ही 11 तारखेच्या रात्र भांडण झाल्यानंतर माझी मोठी मुलगी आणि हिने त्याचा गळा आवडून ठार मारला दुपट्ट्याने आणि पोलिसांना खोटी माहिती दिली आहे. त्यानंतर आम्ही जे निशा गजबी आहे आणि तिची मोठी अल्पवयीन मुलगी आहे तिच्याविरुद्ध कलम 302, 301, 34 भादवी अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि जी निशा गजबीला आम्ही अटक केलेला आहे, अल्पवयीन मुलगी आहे तिला पण आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास PSI रणदिवे करीत असून अजून सदर गुन्ह्यासंबंधाने सखोल तपास सुरू आहे आमचा. सर, यांची काही जुनी काही क्राईम हिस्ट्री वगैरे असं काही नाही? अशी कोणत्याही प्रकारची त्यांची क्राईम हिस्ट्री नाही, परंतु हिचे अनैतिक संबंध आहेत या संशयावरून जो मृतक आहे तो नेहमी हिच्यासोबत भांडण होता, भांडण नेहमी भांडाभांडी सुरू होती यांची. पुलिस ने पंखे की जांच की तो उसमें धूल जमा हुई थी. ओढ़नी बांधने पर धूल क्यों नहीं हटी, यह सवाल था जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश से खोजबीन की और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की. रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज. शहर में बीते 2 दिन पहले ही एक सराफा व्यापारी से लूट की घटना सामने आई थी, जिस मामले में महज 10 घंटे के भीतर ही कार्रवाई करते हुए शहर पुलिस ने घटना में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. इस कार्रवाई से खुश होकर सोमवार को सराफा व्यापारी पुलिस आयुक्त से मिले और उनका आभार माना. शहर पुलिस पर वैसे तो कई सवाल या निशान खड़े होते रहते हैं, लेकिन इन सारी बातों को झूठा साबित कर सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट मामले में पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की वो सचमुच बेहद ही सराहनीय रही, जिसके चलते सोमवार को सराफा व्यापारी पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचे. इस दरमियान सराफा व्यापारियों ने पुलिस आयुक्त की प्रशंसा कर उनके आभार माने. देखिए, जो 2 दिन पहले जो एक सराफा व्यवसायियों को लूटा गया था और उनकी बैग छीन के लोग भागे थे और वो हमारे सराफा जो मित्र है उन्हें चाकू से मारा गया था, तो इस वजह से जो एक ऐसी घटना जिससे कि पूरा सराफा वर्ग पूरी तरह से घबरा गया था, उसके लिए हमने माननीय CP साहब से विनती की थी और CP साहब ने पर्सनली इसे मॉनिटर करके आज इस जो पूरा प्रकरण है उसको उसका पर्दाफाश कर दिया, तो उसका एक धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ है. और ये जो घटना हुई और घटना होने के विद इन 47 आवर्स इसको मतलब प्रैक्टिकली इसको मैटर को डिस्क्लोज कर दिया गया, ये एक अपने आप में सराहनीय है. उसके लिए हम सराफा एसोसिएशन की तरफ से उनका धन्यवाद मानते हैं और इस टाइप की घटना ना हो इसके लिए और भी कड़े कदम उठाने चाहिए और गश्त बढ़नी चाहिए, CCTV बढ़नी चाहिए, ऐसी हम प्रशासन से मांग करते हैं. सराफा के इतिहास में ये पहली घटना है. जो जब भी कोई लूटमार कोई डकैती होती है उसके लिए बहुत काफ़ी समय लगता है, लेकिन पुलिस विभाग को मैं सराफा एसोसिएशन को धन्यवाद देऊंगा, उन्होंने जो समय दिया उसके पहले ही पूरे आरोपी मुद्देमाल सह पूरा उन्होंने पकड़े गए. इसके लिए पूरे सराफा एसोसिएशन के और एक उनको धन्यवाद देता हूँ. और हम अभी बहुत से चीज़ें हमारे CP साहब ने बताया हुआ है कि क्या अपने आगे के दृष्टिकोण से करना चाहिए, हाँ ये जो लूटमार हो रही है और बहुत से, तो हमने एक कार्ड भी इशू कर रहे हैं, जो भी हमारे दुकान का अगर व्यक्ति निकलता है तो उन्हें हम सराफा एसोसिएशन की ओर से उसको पुलिस आयुक्त की ओर से उनको मान्यता मिले, ऐसा कार्ड हम अपने पूरे स्टाफ को इशू करेंगे. जो तकलीफी होती है तो वो तकलीफी न हो, इसके लिए हम आगे का जो व्यू रचना है हम आगे का रखेंगे. सराफा व्यापारी हमेशा ही अपने साथ पैसा और सोना लेकर जाते हैं, जिसके चलते उनकी जान हमेशा ही जोखिम में रहती है. और इस चीज के मद्देनजर पुलिस आयुक्त ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हम इस दिशा में जल्द ही कोई कदम उठाएंगे, जिसके चलते व्यापारियों की सुरक्षा निश्चित की जा सकेगी. याबद्दल आमची आज विस्तृत चर्चा, थोड़ी म्हणजे संक्षिप्त चर्चा झालेली आहे सराफा सोबत. एक विस्तृत बैठक घेऊन ते चर्चा करावा लागेल. खरी गोष्टी आहे की हे आत्मपरीक्षण करावा लागेल की जे सराफा हे माल घेऊन फिरत असताना काय आणखी काळजी घेता येईल. ते हे खरी गोष्टी आहे की ते त्यांचे दुकानात त्यांचे एस्टॅब्लिशमेंट त्यांनी अत्यंत चांगले CCTV फुटेजेस CCTV कॅमेराज लावलेले आहे, म्हणूनच काल परवाच घटनामध्ये महत्त्वाची
जे क्लूज आहे ते ज्वेलर शॉपचे सीसीटीव्ही तपासणी केल्यानंतर भेटला होता. आता हे सीसीटीव्ही त्यांनी त्यांचे एस्टॅब्लिशमेंटला लावलेले आहे, परंतु बाहेर फिरत असताना आणखी काय काळजी घेता येईल त्याबद्दल नक्कीच त्यांच्याशी चर्चा करून आणि त्यामध्ये काही ना काही मार्ग काढू. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा दिए गए इस आश्वासन से सराफा व्यापारी काफी खुश नजर आए और फिर एक बार उन्होंने पुलिस आयुक्त के आभार व्यक्त किए. रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज. फिलीपींस से डॉक्टर बने भारत के 10,000 छात्रों को नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अवैध ठहराया है, जिसके कारण हजारों छात्रों का जीवन संकट में है. इसी के विरोध में नागपुर के संविधान चौक पर डॉक्टरों ने नेशनल मेडिकल काउंसिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे. फिलीपींस में वैद्यकीय पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया. फिलीपींस में चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में बीएस कोर्स 2 साल और एमडी कोर्स 4 साल का है. हालांकि अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने फिलीपींस की वैद्यकीय पढ़ाई के बीएस कोर्स को अब अवैध करार किया है, जिसके चलते 2020 और 2021 में प्रवेश लेने वाले भारत के 20,000 छात्रों का भविष्य संकट में आ गया है. इन छात्रों की पढ़ाई व्यर्थ न जाए, इस उद्देश्य से आज नागपुर के संविधान चौक पर डॉक्टरों ने नेशनल मेडिकल काउंसिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे. याच्यासाठी जमा झालेलं आहोत की जे NMC नी 18 नोव्हेंबर 2020 एक गॅझेट इश्यू केला, त्यामध्ये त्यांचं म्हणणं असं आलं की त्यामध्ये भरपूर सारे वेगवेगळे रूल्स होते. कोर्स ड्युरेशनचा रूल होता आणि BS कोर्स जो MD चा पार्ट आहे फिलिपीन्समध्ये, BS+MD म्हणून MBBS कोर्स कन्सिडर केला जातो. तर तिथं असं तेव्हा असे रुमर्स फैलले होते की जो BS कोर्स आहे तो स्टुडंटसाठी व्हॅलिड नसणार आहे. तर तसे रुमर्स झाले, त्यानंतर आम्ही कन्फर्मेशन्स घेतले आणि आत्ता 25 मार्चला NMC नी आणखी एक रूल इश्यू केला की जो BS कोर्स आहे तो व्हॅलिड नसणार आहे नवीन स्टुडंट्सला पण. आणि हे सर्व इश्यूज आम्ही जे फेस करत होतो तर आम्हाला क्लिअरिफिकेशन्स पाहिजे होते, तर आम्ही NMC च्या ऑफिसेसला कॉल केले, त्यांच्या पर्टिक्युलर्सला मीट केलं जाऊन. तर टेलिफोनिकली ते सर्वजण म्हणत होते की जे पण जुने स्टुडंट्स आहेत ज्यांनी ऑलरेडी ॲडमिशन घेतलेले आहे 2020 किंवा 21 18 नोव्हेंबरच्या आधी, तर त्यांना या रूल्सचं काहीच ॲप्लिकेबिलिटी नसणार आहे. तर त्यांच्यावरती कशाच पद्धतीने या रूल्सचा काहीच यूज नसणार आहे. तर मग आम्ही तिथे रिलॅक्स झालो. पण 25 मार्चला ते म्हणतात की जो BS कोर्स आहे तो MD कोर्सपासून सेपरेट आहे, तर असे ते NMC रिझन्स देत होते आम्हाला. पण त्यांनी स्पेसिफाय केलं नाही की का तसं होत आहे. आणि जे आम्ही जे स्टुडंट्स आहोत, आम्ही ऑलरेडी ॲडमिशन घेतलेलं आहे जे गॅझेट यायच्या 1 वर्ष झालं, त्यानंतर 1.5 वर्ष झालं, आम्ही आता MD एनरोल होणार आहोत ऑगस्ट महिन्यामध्ये. तर आमचे जे 2 वर्ष वाया गेले, जे आमचे पॅरेंट्सची फीज गेली, जो आमचा जो म्हणजे आमची जी एज आहे, मेनली तेच गोष्ट आहे ना की जे 2 वर्ष आमचे जे वाया गेलेले आहेत, ते जे आम्ही दुसरं काहीतरी करू शकलो असतो, पण आता आम्ही 1 वेळेस तिकडे गेलो तर आम्ही आता रिटर्न येऊ शकत नाही. तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की तो एक तर आम्ही आज स्टेप बॅक करावं लागेल. आम्ही का स्टेप बॅक करू जर आम्हाला MBBS करायचं आहे, जर आपले इंडियन फॅसिलिटीज आम्हाला म्हणजे एवढे मार्क्स पडून पण जर आम्हाला सर्व्हिस देत नाही की प्रायव्हेट कॉलेजेसची फीज एवढी जास्त, डोनेशन एवढी जास्त मागतात, जर आम्ही तिथं ॲडमिशन नाही घेऊ शकत. आणि हे जे बाहेरच्या देशामध्ये ॲडमिशन घेण्याची जे प्रोसिजर आहे ते MCIने किंवा NMC ने ऑलरेडी त्यांनी स्वतः स्टार्ट केली होती की तुम्ही बाहेर ॲडमिशन घेऊ शकता. तर जर आम्ही जर जात आहोत बाहेर तर मग अचानक असे रूल्स काय येत आहेत. आणि मेन प्रॉब्लेम हा आहे की तुम्ही नवीन रूल्स आणले ठीक आहे, तुम्हाला वाटत आहे नवीन रूल्स चांगले आहेत तर तुम्ही अप्लाय करू शकता, पण नवीन स्टुडंट्सवरती करा ना. आम्ही ऑलरेडी ॲडमिशन घेतलेलं आहे, आम्ही ऑलरेडी स्टडी करत आहोत, तर मग ते रूल्स तुम्ही आमच्यावर काय ॲप्लिकेबल करत आहात. नवीन स्टुडंट्सवरती ॲप्लिकेबल करा, आम्हाला काही इश्यू नसणार आहे. पण आमच्यासोबत काही पत्रव्यवहार झाला आहे का आपला? नाही, त्यांच्यासोबत आम्ही टेलिफोनवरली बोललेलो आहोत. त्यांचे जे व्हॉईस रेकॉर्डिंग्स आहेत ते आमच्यासोबत आहेत, प्रूफ्स आहेत. त्यांचं असं क्लिअरली म्हणणं होतं की जर सर तुम्ही गॅझेट यायच्या आधी ॲडमिशन घेतलेलं असणार तर तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीने काहीच प्रॉब्लेम नसणार, तुम्ही तुमची स्टडी कंटिन्यू करा, असे पण क्लिअरली म्हटले ते. हां, ते पण 25 मार्चच्या आधी एम्बेसी फिलिपीन्समध्ये त्यांच्या थ्रू मेसेजेस पाठवत होते. मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर राज्य में सियासी माहौल वैसे ही गरमाया हुआ है. इसी पर बात करते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का जो भी निर्णय रहेगा उसी के मुताबिक कार्य किया जाएगा. अगर शहर में किसी ने भी कायदा और व्यवस्था बिगाड़ने की सोची तो उस पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया. साथ ही कहा कि शहर में फिलहाल ऐसी कोई भी स्थिति निर्माण नहीं हुई है. मी त्या विषयावर एवढेच सांगू की नागपूर शहरात पूर्णपणे कॉम्युनल हार्मनी आहे, पूर्णपणे शांतता आहे. सर्व जे काही स्टेक होल्डर्स, सर्व कॉम्युनिटी लीडर्स,
रिलीजियस लीडर्स जे जे स्टेकहोल्डर्स आहेत त्यांची विस्तृत चर्चा पोलीस स्टेशन स्तरावर DCP स्तरावर आणि आमच्या स्तरावर सुरू आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की जे काही मुद्दे असतील त्यांना चांगल्या रीतीने आणि शासनाचे गाईडलाईन्स आणि कायद्याचे नियमाप्रमाणे त्याचे निराकरण करण्यात येईल. कोणत्याही प्रकारचे कायदा व सुव्यवस्थाचे प्रश्न शहरात निर्माण होणार नाही अशी आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. परंतु कोणी काही अनुचित घटना घडल्यास किंवा कोणी काही कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण करण्याची प्रयत्न केला त्यांचे त्यांना तोंड त्या इन्सिडेंटला तोंड देण्यासाठी आणि अशा लोकांवर पूर्णपणे कडक कारवाई करण्यासाठी नागपूर पोलीस दल पूर्णपणे सुसज्ज आणि तयारीत आहे. आम्ही स्वतः हाई अलर्टवर पूर्ण पोलीस दल आहे. परंतु आजची स्थितीत शहराची स्थिती बघता आणि जे हार्मोनियस रिलेशनशिप बघता कोणत्याही प्रकारची घटना होणार नाही याची आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. आम्ही फक्त एवढेच सांगू की जे काही कायद्याची तरतूद आहे नियम आहे आणि जे शासनाची गाईडलाईन्स आहेत त्या अनुषंगाने त्याच्या इम्प्लिमेंटेशन करायसाठी नक्कीच प्रयत्न करण्यात येईल. परंतु त्याच इशूवर कोणी कायदा हातात घेऊ नका असे आमचे आवाहन लोकांना राहील. मी आपल्याला फक्त आज एवढेच म्हणणार की जे काही नियम आणि कायद्याची तरतूद आहे त्या अनुषंगाने कारवाई करण्यात येईल. वक्त होला एक ब्रेक का, मिळते एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. अमरावती जिले के सबसे संवेदनशील शहर के रूप में पहचाने जाने वाले अचलपुर में रविवार की मध्यरात्रि करीब 12 बजे झंडा लहराने को लेकर विवाद हो गया. नतीजतन शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और लगभग 20 से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव ने दी है. अचलपुर शहर के प्रवेश द्वार पर खिड़की गेट और दूल्हा गेट पर ऐतिहासिक दरवाजों पर हर साल विभिन्न धर्मों के झंडे फहराए जाते हैं. हालांकि कल रात उस समय विवाद खड़ा हो गया जब कुछ असामाजिक तत्वों ने झंडा फहराया. कुछ ही देर में यह विवाद पत्थरबाजी में बदल गया. आधी रात को जब शहर सो रहा था तब हुए इस विवाद को SRP और स्थानीय पुलिस ने काबू में किया. इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए अचलपुर थाने के थानेदार गरुड़ ने बताया कि अचलपुर में पुलिस के हस्तक्षेप से पहले दो गटों के बीच विवाद हिंसक होने से पहले ही टल गया. शहर में बीती रात से स्थिति नियंत्रण में है. घर में सेंध मारकर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सक्करदारा पुलिस को कामयाबी हासिल हुई. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी से कुल 3,61,000 रुपए का मुद्देमाल भी जब्त किया है. वहीं पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है.
नागपुर के सक्करदरा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक व्यक्ति के घर पर सेंध लगाकर लाखों रुपए नगद और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। रामनवमी के दिन हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार आरोपी का नाम महेंद्र रंगारी बताया गया। सक्करदरा पुलिस हद्दी में ओमनगर या भागा में दिनांक 10 एप्रिल रोजी रामनवमी होती, त्या दिवशी एका उघड्या घरातून चोरी झाली होती। सदर भागाचा रिपोर्ट आम्हाला 11 तारखेला प्राप्त झाला होता। सदर तक्रारीची आम्ही तत्काळ दखल घेतली, वरिष्ठांना याबद्दल माहिती दिली। वरिष्ठांनी आम्ही या ठिकाणी सविस्तर भेट दिली असता असं समजून आले की एक आरोपी आहे, अनन आरोपी आहे, त्यांना उघड्या घरातून प्रवेश करून दुपारच्या वेळी सदरचं वारदात केलेली आहे। त्यामध्ये जवळपास 1,04,000 रोख रकमेचा मुद्देमाल चोरीस गेला होता। त्या ठिकाणी असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे सदर आरोपीचा शोध आम्ही 24 तासांमध्ये घेऊन दिनांक 13 तारखेला सदरचा गुन्हा ओपन केला आणि त्याच्यामध्ये एक आरोपी आम्हाला निष्पन्न झाला होता। त्या आरोपीचं नाव आहे महेंद्र रतनलाल रंगारी, वय अंदाजे 27 वर्ष आहे, राहणार आहे संजूबा शाळेजवळ उंबेर रोड, या ठिकाणी तो राहतो। तपासा असं निष्पन्न झालं की त्यानं सदरचा गुन्हा केलेला आहे। सदरच्या अंगजर्तीमध्ये जवळपास 55,000 रुपयाचा रोख रक्कम आम्हाला मिळून आली, त्याच्याकडे ती जागी जप्त केली। त्यानंतर सदर आरोपी हा वेळोवेळी याच्यापूर्वीसुद्धा गुन्हे दाखल आहेत या स्वरूपाचे। त्याची मोडच असे आहे की दिवसा एकटा सिंगल चोऱ्या करतो, कधी घरपड्यासुद्धा करतो आणि त्याच्या त्या आरोपीच्या एक कवटीचा भाग गेलेला आहे अपघातामध्ये, त्यामुळे त्याच्याकडे सदरच्या गुन्ह्याबाबतचा अधिक तपास करणं फार महत्त्वाचं होतं, कारण की नाजूक परिस्थिती होती। त्या परिस्थितीतसुद्धा आमच्या पूर्ण टीमनं आपलं कौशल्यपणा लावून इतर गुन्हे आहेत का याबद्दल माहिती घेतली असता सदर आरोपीकडून इतरही हुळकेश्वरचा एक चोरीचा गुन्हा आहे आणि तसेच इतर अजून 2 गुन्हे सक्करदराचे होते, घरपुडी आणि एक 380चा, तोसुद्धा ओपन झालेला आहे। आणि सदर गुन्ह्यामध्ये एकच आरोपी आहे हे निष्पन्न झालेले। सदर आरोपीकडून या सदर गुन्ह्यामध्ये टोटल मुद्देमाल हा काही सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम, लॅपटॉप वगैरे चोरले गेले होते। त्यापैकी आम्हाला 96 ग्रॅम सोन्याचे दागिने, मोबाईल, लॅपटॉप प्राप्त झालेले आणि रोख रक्कम मिळालेली आहे। असा जवळपास 361,000 रुपयाचा किमती मुद्देमाल आम्हाला मिळालेला आहे। या जोनपूरमध्ये किंवा पोलीस आपल्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे चोऱ्यांचं प्रमाण वाढत होतं। वेळोवेळी आम्हाला वरिष्ठांनी सूचना दिल्या होत्या की तत्काळ याबाबत शोध घ्या, म्हणून माननीय सीपी सर, आमचे ॲडिशनल सीपी सर जोनपूर नुरुल हसन साहेब आणि आमचे सक्करदराचे पुनलिक भटकर साहेब यांनी वेळोवेळी आम्हाला मोलाचं मार्गदर्शन करून सदर गुन्हा तत्काळ उघड सांगण्याकरी मार्गदर्शन केलं आणि आमच्या टीमने 24 तासांमध्ये सदर आरोपीला हे अटक केलेली आहे। सदर आरोपी सध्या PCR मध्ये आहे। यापूर्वी सर्वांना या आपल्या माध्यमातून सर्वांना आवाहन करतो की उन्हाचे दिवस आहेत, किमान पोलीस स्टेशनला याबद्दल माहिती द्यावी आणि काही संशयित इसम दिसून आले या पोलीस स्टेशनला कळवावे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए हुए आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज है। वही गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने 361,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB News। मंगलवार 18 अप्रैल 1973 से भगवान राम जी की कृपा से कामठी के दिवंगत किशनलाल शर्मा और स्वर्गीय पूरनलाल सिरिया सहित उनके साथियों ने श्री हनुमान जी की शोभा यात्रा आयोजित करने की परंपरा को शुरुआत की थी। इसी परंपरा को जारी रखते हुए आज कामठी के शहरवासियों के लिए एक उत्सव की तरह बन गया है। ये त्यौहार में सभी धर्म के लोग बड़ी संख्या में सहभाग लेते हैं। इस वर्ष भी परंपरा को कायम रखते हुए श्री हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। ये शोभा यात्रा यहाँ के गांधी चौक से रविवार 17 अप्रैल को शाम के 5 बजे आरम्भ की गई। कामठी से नितिन रावीकर की रिपोर्ट। हनुमान जयंती के अवसर पर नवनिर्मित हिंदू युवा मंच की ओर से भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया था। हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देने और युवाओं के प्रति हिंदू समाज की भव्यता को फैलाने के उद्देश्य से हनुमान जयंती के अवसर पर हिंदू युवा मंच की ओर से भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। टेकानाका दुर्गा माता मंदिर से शुरू हुई इस रैली का कड़बी चौक पर भव्य समापन हुआ, जिस दरमियान महाबली हनुमान की आरती कर लोगों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस संदर्भ में आयोजकों ने अधिक जानकारी साझा की। हमारा संगठन हिंदू युवा मंच, हमने एक नया संगठन बनाया है, उसमें सभी
हिंदू विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं और हमारा आज हनुमान जयंती निकालने का उद्देश्य जो हमारे नवयुवक हिंदू समाज के उनको जागरूक करना, क्योंकि पीढ़ी आजकल हमारी हिंदू जो पीढ़ी है युवाओं की वो पश्चिमी शैली को ज़्यादा पसंद कर रही है, तो पश्चिमी शैली को छोड़कर जो हमारी हिंदुओं की प्रथा है उसकी जानकारी है, उसकी जानकारी देने का उद्देश्य के हिसाब से हमने यह मंच की स्थापना की है और आगे भी हम जो भी हिंदू हमारे त्यौहार रहेंगे उसको बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे। पिछले 5-7 दिन पहले कड़वी चौक पे हमारे भाई राजेश जी सानी के मन में एक संकल्पना आई और इस संकल्पना लेके हम 3-4 जने बैठे और पिछले 6-7 दिन के अंदर आज ये जो स्वरूप तैयार किया गया है कि हिंदू जन जागरण के लिए हिंदू युवा जो आज भटक रहा है जैसा कि यादव जी ने बताया, उन सबको संगठित करने के लिए अपनी शक्ति अपनी जो इतिहास है हिंदुओं का वो बताने के लिए आज ये रैली निकाली गई। 7 दिन के अंदर ये रैली का आयोजन किया और सफलतापूर्वक सबने इसमें साथ दिया। इस रैली में सहभाग देने वाले सभी हिंदू समाज के भाइयों को रैली कहाँ से कहाँ तक आई, ये रैली टेकानाका दुर्गा माता मंदिर से माता का आशीर्वाद लेते हुए चली, वहाँ से कड़वी चौक सदर का हाई पुल उतर के हम गड्डी गोदाम जाना चाह रहे थे पर पुलिस प्रशासन की वजह से हमें गड्डी गोदाम जाने नहीं दिया गया, हमें सीधा हॉटस्पॉट जाना पड़ा। हॉटस्पॉट से हम टेकानाका वहाँ पर छावनी दुर्गा माता मंदिर चौक पे पहुँचे। छावनी दुर्गा माता मंदिर चौक के बाद छावनी में कचरा माता मंदिर के पास हमारे जो हिंदू भाई थे अनिल काटर पवार लक्ष्मीकांत जी ठुमरे और राजेश करनेवाली सब ने भव्य रैली का स्वागत किया, वहाँ छाछ बांटी गई, फूलों से रैली का स्वागत किया। उसके बाद रैली पूनम चेंबर के सामने से गुंडवाना चौक होते हुए आज यहाँ कड़वी चौक पर समापन हुई है। इस समापन के बाद यहाँ पे बजरंग बली जी की महाआरती की गई, उस महाआरती का लाभ सभी हिंदू भाइयों ने उठाया, उसके पश्चात भगवान का प्रसाद रखा गया है। ये इसी तरह यह रैली का जाए समापन। इस भव्य रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे जिसके चलते बड़ी ही सफलता से इस रैली का समापन हुआ। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज। जैसे ही गर्मियां शुरू होती है वैसे ही नागपुर के सिंधी युवा संगठन लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार इस वर्ष भी सिंधी संगठन द्वारा पक्षियों एवं मुख प्राणियों के लिए जलपात्र वितरण करने की परंपरा भी जारी है। 17 वर्ष पहले सिंधी युवा संगठन द्वारा पक्षियों के लिए जलपात्र का आयोजन करने का संकल्प लिया गया था। इसी संकल्प को जारी रखते हुए आज जरीपटका इलाके के सब्जी बाजार चौक पर सिंधी युवा संगठन द्वारा निःशुल्क जलपात्र लोगों को बांटे गए। तेज गर्मी में प्यासे पक्षियों और जानवरों की प्यास बुझाने के लिए 17 वर्षों से हर साल सिंधी संगठन द्वारा जलपात्र का वितरण किया जाता है। सिंधी युवा संगठन पिछले 17 वर्षों से सिंधी सामाजिक युवा संगठन द्वारा सामाजिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, डेपुटेशन देना, सीनियर सिटीजन कार्ड बनाना, उसमें सबसे बड़ा हमारा रोल रहता है। धूप काले में जो तेज धूप हो जाती है, बेजुबान पक्षियों के लिए जलपात्रों की व्यवस्था करना, इसका हमने संकल्प 17 साल पहले लिया था और 17 साल से लगातार हम कम से कम 2-3 शिविर धूप काले में करते हैं जिसमें हमारे पूरे पदाधिकारियों का सहयोग रहता है। हमारे कार्याध्यक्ष श्री प्रताप जी हिरानी, उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री किशन जी बालानी, सम्माननीय उपाध्यक्ष श्री दयाल जी चंदवानी, सम्माननीय उपाध्यक्ष श्री सतीश मीरानी जी, सम्माननीय उपाध्यक्ष श्री दयाल चंदवानी जी, सम्माननीय महासचिव श्री भरत इसरानी जी, सम्माननीय हमारे वासुदेव शर्मा, भरत तनवानी, सम्माननीय हमारे मोहन व सम्माननीय पवन कुकरेजा महासचिव, ये सभी हम मिलके हमने एक संकल्प लिया था। क्योंकि धूप काले में ऐसा होता है कि चारों ओर सिर्फ धूप ही धूप रहती है, कहीं पे भी ऐसा पानी गिरा हुआ नहीं दिखता कि बेजुबान पक्षी वहाँ से पानी पी सके। तो हमारा संकल्प ऐसा था कि ये जो हम मिट्टी के पात्र हम सबको लोगों को निःशुल्क बांटते हैं, वो अपनी दीवार पे लगाएं, अपने आंगन में लगाएं, छत पे लगाएं, जिससे कि उन बेजुबान प्राणियों को जल मिल सके और अपन एक पुण्य कमा सके। हमारा स्लोगन भी वही है, बेजुबान प्राणियों का जीवन बचाओ, परमात्मा से पुण्य कमाओ। ये सभी मेरे सहयोगी है, उनका पूरा सहयोग रहता है। लोगों को हमारा यही एक संदेश है, मेरे जितने भी पदाधिकारी और जितने भी संगठन के जुड़े हुए सदस्य हैं, मैं उनसे यही विनती करूँगा, आप संकल्प लेके ये पात्र अपने यहाँ लगाओ और जितने भी मित्र परिवार है जो भी आपके संपर्क में आते, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बांटो और उससे कि आने वाले समय में जैसे धूप काले में मई के मामले बहुत ज़्यादा धूप होती है, पैर रखने की जगह नहीं रहती, इंसान तो पानी मंगकर पी लेता है लेकिन बेजुबान पक्षी कैसा पानी पिएगा। इसीलिए हमारा एक संकल्प है संगठन का कि हम चारों ओर ये जलपात्र बांटते हैं जिसमें कि मुख्य प्राणियों का जीवन बच सके, यही हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। जरी प्रकार की काफ़ी नागपुर शहर काफ़ी संस्थाओं जुड़ा हुआ आदमी हूँ। हमारे जो जरी प्रकार का सिंधु युवा संगठन है
इनके हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अशोक जी आहूजा, प्रताप जी हीरानी, सत्यजी जी हीरानी, संगठन सचिव हैं, दयाल जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। निरंतर 17 सालों से सिर्फ ये काम ही नहीं, आज का जो काम रहता है ये मई महीने में हम लोग जो जल पाते हैं उसका वितरण करते हैं। एक ही भावना है, ह्यूमन बीइंग को जवान दी है ईश्वर ने, वो बोल सकता है, अपनी तकलीफ बता सकता है, उसको पानी लगे तो 10 बार पी सकता है। मूक प्राणी बोल नहीं पाते, उनके क्या कष्ट हैं, गर्मी का महीना है, पानी नहीं रहता, लोगों को पानी नहीं रहता तो पक्षियों को कहाँ से मिलेगा। इसलिए कि प्रयास रहता है हमारा संगठन का कि जगह जगह हर घर में अपने अपने घरों में पात्र भर के रखें जिससे कि मूक प्राणी को पानी मिले, उनकी जीवन रक्षा हो, यही उद्देश्य है। धन्यवाद। रोशन बोगड़े के साथ वैदेही चौहान। शहर में हनुमान जन्मोत्सव शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हनुमान मंदिरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। सुबह से देर रात तक मंदिरों में दर्शनार्थ भक्तों का तांता लगा रहा। अनेक क्षेत्रों में आकर्षक झांकियों के साथ शोभा यात्रा तक निकाली गई। इसी श्रृंखला में जरीपटका स्थित हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव आयोजन समिति की ओर से महाप्रसाद का आयोजन किया गया। सुबह हवन से शुरू हुए इस उत्सव में शाम को श्री हनुमान जन्मोत्सव आयोजन समिति की ओर से आकर्षक झांकी निकाली गई, जिसके चलते इलाके में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा। वहीं इस दरमियान करीब 2000 लोगों ने महाप्रसाद का लाभ लिया, ऐसा आयोजकों का कहना था। बता दें कि मंदिर में सुबह से ही दर्शनार्थ भक्तों का तांता लगा रहा। आज के इस पावन पर्व पर, हनुमान जयंती पर, पहले तो सबसे पहले अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव हनुमान जी के चरणों में नमन। आज का हमने जो पावन पर्व मनाया हनुमान जयंती में, आज बढ़ चढ़ कर क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ, प्रसाद हर जगह, मतलब यानी उत्साह से भरपूर लबरेज था पूरा जरीपटका क्षेत्र, और सभी नागरिकों ने इतने तन मन धन से हमें सहयोग दिया, और विशेष करके पुलिस ने भी पूरा सहयोग दिया, अच्छे बंदोबस्त दिए। पूरी बस्ती में बहुत अच्छे से शोभा यात्रा निकली, सवेरे हवन पाठ हुआ और शाम को महाप्रसाद में कम से कम 2000 लोगों ने महाप्रसाद लिया। मैं आज के इस पावन पर्व पर क्षेत्र के सभी नागरिकों को कोटी कोटि बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तो आज के इस प्राइम टाइम में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।